हेलो फ्रेंड्स, तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अब बच्चे चीजों को रटेंगे नहीं बल्कि चीजों को समझेंगे और देखेंगे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया एजुकेशन सेक्टर में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसके क्या पैटर्न थे और क्या बदलाव किया जा सकता है और क्या बदलाव होंगे इन न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो हमारी गवर्नमेंट का इन 6 पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। स्कूल एजुकेशन, लैंग्वेज, हायर एजुकेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं दोस्तों। आइए पूरे पैटर्न को हम समझते हैं कि क्या है इस न्यू पॉलिसी के पैटर्न्स और ये किस तरह से वर्क करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, पिछले साल का जो पैटर्न है, जो पिछले अभी तक के एजुकेशन का पैटर्न था, वो 10+2 था। बट इस साल से अब इसको डिवाइड करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट में देखा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम 4 स्टेप में देखने वाले हैं दोस्तों। पहला होगा हमारा फाउंडेशन स्टेज, और सेकंड होगा प्रिपेरेटरी स्टेज, एंड थर्ड होगा मिडल स्टेज, एंड फोर्थ सेकेंडरी स्टेज। तो आइए दोस्तों वन बाय वन करके हम इस पूरे चार्ट को समझते हैं। तो पहला फाउंडेशन स्टेज में हम बच्चे टोटल 5 साल, इस 5 साल के अंदर स्टार्टिंग के प्री एजुकेशन होंगे बच्चों के 3 साल और 2 साल होंगे हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड के क्लास। यहाँ पे बच्चे 5 साल तक अपने ही मदर टंग में पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिहार के हो तो आप बिहार की लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप आंध्र प्रदेश के हो तो आप आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो। तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों से जो भी बच्चे जहां पे रहते हैं वो अपने ही मदर टंग में 5 साल तक अपने ही लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पोजिशन में बच्चे बहुत ही जल्दी चीजों को कैप्चर कर पाते हैं और बहुत ही जल्दी चीजों को सीख पाते हैं। अगला होगा दोस्तों प्रिपेरेटरी स्टेज, इसमें 3-5 क्लासेस की बात की जाएगी और इसी 3-5 क्लासेस इसी प्रिपेरेटरी स्टेज के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे। थर्ड स्टेज है दोस्तों हमारा मिडिल स्टेज, स्टेज में हम 6-8 तक की बात करने वाले हैं। और दोस्तों फाइनल लास्ट जो स्टेज आता है वो है सेकेंडरी स्टेज, जो 9-12 की बात की जाएगी। तो ये है हमारा पैटर्न दोस्तों, इसी पैटर्न के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन पैटर्न के अंदर हम किन किन चीजों पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पहले का था वो बहुत ही रटने वाला था, बट इस बार क्या बदलाव किया गया है तो इसमें हम फोकस करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को ना ही चीजों को रटवाया जाएगा बल्कि चीजों को दिखाया जाएगा और एक्टिविटी कराई जाएगी, ना कि हम जैसे किस तरह से हम बहुत ज्यादा एग्जाम पे फोकस करते थे, छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रीट किया जाता था कि चीजों को बाहर करें और जाके एग्जाम में लिखाएं। बट इस तरह की अब चीजें नहीं होंगी, अब बच्चों को एक्टिविटी कराई जाएगी, एग्जाम पे फोकस कम दिया जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बच्चों को नहीं देखा जाएगा, चीजों को बहुत ज्यादा सिखाया जाएगा, चीजों को रटने पे ना फोकस करके चीजों को समझाने पे फोकस किया जाएगा। जैसे ही बच्चे मिडिल क्लास की तरफ बढ़ेंगे उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाएंगी, अगर किसी बच्चे को किसी अलग फील्ड में इंटरेस्ट है या किसी कोडिंग को सीखना चाहता है तो वो कोडिंग को भी सीख सकता है। दोस्तों एक बहुत बड़ा जो फैसला, जो बहुत बड़ा बदलाव आया है वो हमारे लास्ट वाले स्टेज पे आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से हम 9-12 जो हमारा एक बेस होता है किसी भी हमारे करियर को आगे बढ़ाने के लिए, वहां पे चीजें हमें रटवाई जाती थी, बट अब हम बोर्ड पे ना फोकस करके अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे चीजों को समझने में, चीजों को मेमोराइज ना करेंगे बल्कि चीजों को यहाँ पे हम एक्टिविटी के थ्रू प्रैक्टिस करके चीजों को अपने माइंड में सेट करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों हम पहले के पैटर्न की बात करते हैं तो बच्चा 9-10 तक बोर्ड का एग्जाम देता था, 10th के बाद 11-12 में उसे अलग अलग स्ट्रीम होते थे जैसे कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट, तो इन तीनों स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम में जाके उसे अपना करियर बेस करना रहता था, अपने करियर को बढ़ाना रहता था। बट अब ये सारी चीजें 9th से ही होने वाली है। एक बहुत बड़ा दोस्तों एक बहुत अच्छा बदलाव किया गया है, क्योंकि इस स्टेज के बाद अब बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है, कोई भी सब्जेक्ट को चॉइस कर सकता है। अगर बच्चा साइंस में इंटरेस्ट रखता है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है उसे, अगर वो इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहता है तो वो इकोनॉमिक्स भी ले सकता है, अगर वो कॉमर्स के सब्जेक्ट को चॉइस करता है या उसे अच्छा लगता है पढ़ने में तो वो भी चॉइस कर सकता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चे मिलते हैं कि जो साइंस के फील्ड में होते हैं बट उन्हें इंटरेस्ट होता है आर्ट के, कॉमर्स के सब्जेक्टों में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड के बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट दे सकते हैं, और ये होगा 9-12 तक। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि इनके एग्जाम कैसे लिए जाएंगे। 9-12 तक जो एग्जाम होने वाले हैं वो बोर्ड के प्रेफरेंस से ही होंगे, बट बोर्ड को इतने इंपॉर्टेंट ढंग से नहीं देखा जाएगा, वो सेमेस्टर वाइज भी लिया जा सकता है एग्जाम को। अभी तक ये कहा नहीं गया है गवर्नमेंट कि किस तरह से इस एग्जाम को लिया जाएगा, यहाँ पे बोर्ड को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा बल्कि बच्चों के नॉलेज पे फोकस किया जाएगा।
तो बात करते हैं क्या दोस्तों, इस साल के जो बच्चे टेंथ क्लास में है, क्या उन्हें बोर्ड देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस प्रोसेस को पूरा इम्प्लीमेंट होने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 तक शायद इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो जो बच्चे टेंथ में है वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जो बच्चे इलेवेंथ में है वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, या फिर जो बच्चे ट्वेल्थ में है वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें। क्योंकि किसी अभी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है कि इसी साल से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा या आपको बोर्ड की एग्जाम इसी साल देनी होगी। तो जो बच्चा इलेवंथ में वो भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जो बच्चा ट्वेल्थ में वो भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम इस साल दिया जा सकता है, ये इम्प्लीमेंट इस साल नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कि 2023 तक इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो जो बच्चा 2023 में रहेगा उसे बोर्ड का एग्जाम ना देके इस न्यू पॉलिसी का फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव भी लाया गया है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने लिया है, और यह है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन क्या है? मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन में आप, जैसे कि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो फर्स्ट ईयर तो पढ़ते हैं बट सेकंड ईयर तक नहीं पहुंच पाते और सेकंड ईयर में उन्हें कॉलेज ड्रॉप करना पड़ता है या किसी फाइनेंस प्रॉब्लम की वजह से वो कॉलेज छोड़ देते हैं। तो दोस्तों उनके पास कोई भी डिग्री नहीं रहती थी कि मैं 2 साल पढ़ा हूं, मैं 3 साल पढ़ा हूं। तो बट इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप सेकंड ईयर से कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर आप थर्ड साल, अगर आप तीसरे साल में जाके इस अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर ऑफ साइंस के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और जैसे ही आप फोर्थ क्लास, अगर आप 4 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर ऑफ रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फैसला है। हमारे फॉरेन कंट्रिया में अगर आप एजुकेशन सेक्टर को देखेंगे तो इसी तरह की चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट की गई है, और हमारे भी यहाँ पे अब इसी तरीके की एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है कि किसी भी बच्चे, और एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि अगर आप किसी कारणवश अपने एजुकेशन को कम्प्लीट नहीं कर पाए या बीच में ही छोड़ना पड़ गया तो आप आगे चल के भी उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। ये दोस्तों मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैसला है सरकार के द्वारा। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि किसी भी, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पहले अंडर ग्रेजुएट होना पड़ता है और फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ता है और फिर एमफिल करना पड़ता है और फिर आप पीएचडी तक पहुंच पाते हैं। बट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, इसमें एमफिल जो हमारा कोर्स था उसको निकाल दिया जाएगा। आप यूजी, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ 2 साल का करना होगा और फिर आपको एमफिल नहीं करके डायरेक्ट पीएचडी में एंट्री मिलेगी। बट अगर आपने अंडर ग्रेजुएट 4 साल का किया हुआ है तो आपको जो मास्टर की डिग्री करनी होगी वो सिर्फ 1 साल का करना होगा और फिर डायरेक्ट आप पीएचडी में जा सकते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि एमफिल करते करते कई स्टूडेंट की एज निकल जाती है, कई लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं फैमिली फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि अगर किसी के घर में फाइनेंस प्रॉब्लम है और वो पढ़ाई कंटिन्यू करते जाए तो एमफिल पीएचडी बहुत ही ज्यादा प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है, इसलिए एमफिल को हटा दिया गया है दोस्तों। अब वो सीधा यूजी पीजी से डायरेक्ट पीएचडी की तरफ अपना करियर बना सकता है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, ये दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा फैसला है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में एजुकेशन छोड़ देते हैं तो आपके खाते में ये जमा हो जाएगा और उस खाते का नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अगर आप फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट लेते हैं, आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेते हैं, आप बैचलर का सर्टिफिकेट लेके आपको किसी मजबूरन स्टडी को छोड़ना पड़ता है तो आपका ये क्रेडिट जमा हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये जिस तरह से बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि अगर आप फिर अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी अदर कॉलेज के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे ये डिग्री का फायदा दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट है फिर भी आपको मिलेगा उस चीज का, अगर आप डिप्लोमा तक किए हो या आप बैचलर ऑफ साइंस किए हो तो आपको इसका प्रॉफिट मिलने वाला है। और दोस्तों हमारे एजुकेशन को देखने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स होते थे, यूजीसी सेक्टर्स, एआईटी, सीई होते थे, तो इन सारी चीजों को आप अलग करके एक करके केवल एक ही ब्रांच को निकाला गया है, हायर कमीशन ऑफ इंडिया। अब इनके ही नीचे, इनके ही अंडर में सारे जो हमारा एजुकेशन प्रोसेस है वो चलने वाले। तो आइए दोस्तों अब हम नजर डालते हैं कुछ लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसके नेगेटिव पॉइंट पे नजर डालते हैं। तो जैसे कि हर एक स्टेट में हमने देखा है कि 3 लैंग्वेज होते थे, ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इस न्यू पॉलिसी में कहा गया है कि दो जो लैंग्वेज होंगे वो हमारे इंडिया की होने चाहिए और जो हमारा थर्ड होगा वो फॉरेन से हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम किसी अदर स्टेट की जानकारी को अपने अदर स्टेट की लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो टोटल 3 लैंग्वेज हम एक स्टेट में रहकर सीख सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हो और किसी कारणवश आप महाराष्ट्र में जाते हैं या आंध्र प्रदेश में आप
माइग्रेट करते हैं तो आपको वहां पे बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि अगर आप यूपी में है तो ज्यादातर वहां पे लोग हिंदी पढ़ते हैं, और अगर आप यूपी से महाराष्ट्र की तरफ माइग्रेट करते हैं तो महाराष्ट्र में इस पॉलिसी के हिसाब से तो मराठी में ही पढ़ाई होगी, और फिर जो हिंदी वाला स्टूडेंट होगा उसे इस चीजों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारी ये पॉलिसी किस तरह से काम करती है, क्या इससे सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही लिखा जाएगा या फिर इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, और ये किस हद तक हमको फायदा दे सकता है, और हमारे गवर्नमेंट इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है, क्या इसके कुछ परिणाम निकल के आएंगे या फिर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में कहा गया है कि एटलीस्ट 4 साल का बीएड होना चाहिए हमारे टीचर अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 4 साल का बीएड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप टीचिंग कर सकते हो। ये 2030 तक के हमारे गवर्नमेंट ने बोला है कि 2030 तक इस चीज को भी लागू कर दिया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि सरकार हमारी किस तरह से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करा पाती है, कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट ही बन के रह जाएंगे, या हमारे भारत में इस चीजों का फायदा या इस चीज का प्रॉफिट हमारे भारतीय लोगों को, हमारे स्टूडेंट लोगों तक पहुंच पाए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।